गल गया, कितना अच्छा इसमें ये लोआब बना। तो टेस्ट वही होगा लेकिन कुकर में जल्दी हो जाएगा, टाइम का बचत होगा। तो देखिए अब इसमें दूध और जाएगा, तो यहाँ देखते हैं, दिखाते हैं आपको। मैंने मिक्सी के जाल लिया, एक खजूर है, 15-16 खजूर को मैंने बीज निकाल के फुला दिया था, एक रह गया। और ये ले लिया मैंने काजू है, बादाम है, किशमिश है, इसको भी मैं पीस दूंगी, क्योंकि छोटे बच्चे नहीं खा पाते हैं और फेंक देते हैं, तो ज़्यादा होगा। इससे अच्छा मैं इसको मिक्सर में डाल के सबको एक साथ पीस लूँ, और दूध डाल के इसको मैं अच्छे से। आपके पास खजूर ना हो तो आप गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़ का, गुड़ भी सेहत के लिए सही चीज़ है। अब इसमें दूध थोड़ा सा और, मैं इसको सबको अच्छे से, क्योंकि ज़्यादा ना हो, कर दिया है खजूर, ड्राई फ्रूट्स। तो इसको मैं 8 से 10 मिनट तक और पकाऊंगी, एक उबाल आ जाए तो इसमें धीमा कर दूंगी। मैं इसमें 1/2 लीटर दूध, 1 लीटर पहले डाला था, 1/2 लीटर और डाल दिया, ड्राई फ्रूट्स पक जाए। और एक बार महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, चाहे 2 ही चम्मच हो, लेकिन आप लोग ज़रूर खाइए, सेहत में ये डाइट के साथ ज़रूर रखें। तो ज़रूरी नहीं कि एक प्याला ही खाया जाए, 2 चम्मच में भी खाने से इसमें सेहत होगी आपके। इसमें जो इसका लोआब छूट रहा है वो कितना अच्छा है, इसको और बनाऊंगी। इसको खजूर ये सब डालने के बाद छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये बैठने लगेगा, नीचे पेंदा में जलने लगेगा, और साइड साइड से भी आपको रिमूव करते रहना है। इस टाइप से 2 मिनट और बनाऊंगी, बस 2 मिनट, ज़्यादा नहीं इससे पकेगा। ये देसी घी डाल दे रही हूँ, बस देखिए अभी ये गाढ़ा होने लगा है, मतलब इसको छोड़ना नहीं है। मैं थोड़ा सा खुशबू के लिए केवड़ा ऐसा केवड़ा ये डाल दिया है, केवड़ा डाल दिया है इसमें खुशबू के लिए। आप चाहे तो छोटे इलायची बुक के डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, बस और ये सूख जाए तो फिर इसमें मैं चीनी डालूँगी। बर्तन देखिए, अब इसमें मैं शुगर पाउडर डाल दूँ, आप अपने मीठा अपने अकॉर्डिंग से डालिए, बस मैं इतना ही डालूँगा। चाहे ये दूध भी हमने नेस्ले वाला लिया है तो वो मीठा होता है, अब इसको अच्छे से मैं मिक्स करके, इतना जल्दी हमारा पेड़ा तैयार हो गया 10 मिनट में। पेड़ा हल्का ही मीठा अच्छा लगता है। देखिए हमारा कैसे एकदम पैन छोड़ दिया है, लेकिन अगर आप मेरी तरह, आप गलती मत कीजिएगा, बर्तन हमेशा बड़ा लीजिएगा ताकि इसको चलाने में खूब अच्छे से बने। तो 1.5 मिनट और मैं इसको भूनूंगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, ना जब कड़ा हो जाएगा तो होटने दूँगी। देखिए हमारा ये हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं करना, चूल्हा बंद करके उसको एक बर्तन में ठंडा होने तक छोड़ दूंगी। चलिए टर्न ऑफ, ठंडा हो जाएगा तब, थोड़ा इतना ठंडा हो जाए कि मेरा हाथ, आपको जितना बड़ा बनाना है बनाइए। और ये कांटे से मैं इसको थोड़ा सा प्रेस कर दूंगी, और यहाँ इसको ये देखिए, तरह से मैं दूसरा बनाऊंगी। चीनी खा सकती हो, मैं कांटे से ऐसे कर देती हूँ, पेड़ा का लुक देने के लिए मैं इस तरह से कर रही हूँ। तो देखिए हमारा पेड़ा तैयार है, अब इस पर मैं थोड़ा सा चीनी का पाउडर छिड़ दे रही हूँ, एकदम मार्केट वाला लुक दे रही हूँ। इंस्टेंट पेड़ा तैयार है, तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए।
कि अपने घर में पेड़ा बनाइए, घर वालों को खिलाइए, पार्टी कीजिए। और मिठाई तो भाई ऐसी चीज़ है कि हर को मिठाई बहुत पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है मिठाई। लेकिन हो जाता है कि डेली ला के कौन देगा, इसलिए मैं बना करके ही घर में थोड़ा सा ही सही बन जाता, फास्ट जल्दी से बन गया, जल्दी से खा पी के ख़त्म करो छुट्टी। तो चलिए